नमस्कार, मैं हूं सना फिरोज। स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। होली के त्योहार पर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए आतंकियों के मंसूबों पर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया, जहां फिर से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने शोपिया के इनाम शाह इलाके में आतंकियों को घेर लिया। कहा जा रहा है कि करीब 2 से 3 आतंकी एक घर में छिपे हुए हैं। खास बात यह है कि सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के एक बड़े कमांडर को भी घेर रखा है। सुरक्षा बलों के मुताबिक ये एनकाउंटर रात से ही जारी रहा। रात कुछ घंटों के लिए गोलीबारी रुक गई थी, लेकिन सुबह एक बार फिर से आतंकी सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक होली के त्योहार का फायदा उठाकर लश्कर के कुछ आतंकी देश में घुसपैठ की तैयारी में थे। इस बीच बांदीपोरा, सोपोर और बारामूला इलाके में सुरक्षा बलों ने इन्हें घेर लिया। गुरुवार से जारी इस मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। उधर माना जा रहा है कि अभी कुछ और आतंकी इन इलाकों में छिपे हो सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों ने इन इलाकों की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। बता दें कि सुरक्षा बलों को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि हाजिन इलाके में आतंकी हैं। इस घटना के बाद इस इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बताया जा रहा है कि इस बीच आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।